हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मीघास ब्लॉसमिंग गार्डन। धनिया हमारे किचन की ज़रूरी सब्जी है। बिना धनिए के सब्जी में स्वाद और रंग नहीं आता है, इतनी ज़रूरी है। भारतीय खानपान में हरे धनिए का उपयोग वर्षों से होता आ रहा है। धनिए में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा हरे धनिए की पत्ती में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थियामिन, विटामिन और पोटेशियम भी पाया जाता है। यह पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। साथ ही एनीमिया अगर हो तो इसके सेवन से समस्या दूर हो जाती है। बालों के झड़ने में, आंखों की रोशनी बढ़ने में, मुहासों से छुटकारा पाने में तथा त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इतने गुणों से भरपूर धनिया हमारे किचन गार्डनिंग में तो होना ही चाहिए। लेकिन धनिया को बीज से ग्रो करने के लिए बहुत समय लगता है। लगभग 7 से 14 दिनों तक बीज को उगने में समय लगता है। 45 दिन धनिया को तोड़ने में लगते हैं। और अगर ज़्यादा बारिश हो तो सीड्स के सड़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर धनिया इससे भी जल्दी चाहिए तो आइए हम देखते हैं बिना बीज के धनिया को कैसे उगाएं जल्दी से। फ्रेंड्स, ये मेरा बाजार से लाया गया धनिया है। आप देख सकते हैं इसमें टैप रूट्स अभी भी हैं। ये टैप रूट सहित स्टेम को उगाएं तो धनिए को फिर से उगाया जा सकता है फ्री में घर पर ही। धनिया को 1 से 2 इंच तक जहाँ से स्टेम शुरू होती है उसे काट लें, बाकी का धनिया उपयोग में ले लें और टैप रूट वाला भाग हम फिर से ग्रो करेंगे। धनिया को अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। धनिया स्टेम ले जिसमें न्यू ग्रोथ हो रही है। इसे हम किसी भी कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक की बोतल में या फिर मिठाई के डब्बे आते हैं उसमें भी। इसके लिए मिट्टी एकदम वेल ड्रेन ले, पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। धनिए की रूट सड़ जाती है और न्यू ग्रोथ नहीं होती है। मिट्टी एकदम सॉफ्ट ले ताकि मिट्टी में जड़ें अच्छे से फैले। मेरी ये टोकरी मिट्टी से भरी पड़ी थी तो मैं इसी में लगा रही हूँ। मिट्टी में थोड़ा सा टैप रूट को बिना कोई नुकसान पहुँचाए मिट्टी में एक एक करके धनिए की स्टेम टैप रूट के साथ लगाइए। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के हूँ तो लगा नहीं पा रही हूँ, इसे मैं आपको लगाने के बाद बताती हूँ। तो ये मैंने स्टेम्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा लिए हैं। दूरी रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि जब इसके पत्ते की ग्रोथ हो तो हवा ठीक से उसमें बहती रहे तो ही ग्रोथ अच्छी होगी। इसे फिलहाल छाया में ही रखे, किसी ठंडी जगह और बारिश से बिल्कुल बचा कर रखें क्योंकि ज़्यादा पानी हानिकारक है। हाँ, मिट्टी बीच बीच में हल्की मॉइस्ट रखिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से शुरू रहे। जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फिर धीरे धीरे इसे सनलाइट में रखिए। आपके कुछ ही दिन में धनिए की नई पौध तैयार हो जाएगी और धनिया आपके किचन के लिए रेडी रहेगा। अगर आप सीड से धनिया ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के बाद जब आप धनिया तोड़ेंगे तो 1 से 2 इंच ऊपर से ही तोड़िए ताकि फिर उसे नई ग्रोथ हो सके। धनिया ग्रो करना बहुत ही इजी है, चाहे सीड से हो या स्टेम से। तो बाजार से लाया धनिया पत्ते तोड़ने के बाद उसी स्टेम फेंकिए नहीं, फिर से आसानी से उसी में और धनिया उगाइए फ्री में। हैप्पी ग्रोइंग। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शेयर करें अपने दोस्तों से। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।